नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उम्र धोखाधड़ी के मामले में टीम इंडिया के एक युवा क्रिकेटर पर 2 साल का बैन लग गया है। मनजोत कालरा को उम्र धोखाधड़ी में दोषी पाए जाने के बाद 2 साल का बैन लगाया गया है। अब 2 साल तक मनजोत कालरा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इतना ही नहीं, इसके लपेटे में केकेआर के तेज गेंदबाज शिवम मावी पर भी गाज गिर सकती है। उनका नाम भी बीसीसीआई को आगे बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि कालरा पर एज ग्रुप टूर्नामेंट में 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली क्रिकेट के लोकपाल ने उन पर बैन लगाया। आपको बता दें, पृथ्वी शॉ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 4थी बार अंडर 19 विश्व कप जीता था। 2018 अंडर 19 विश्व कप फाइनल के हीरो मनजोत कालरा रहे थे। उन्होंने खिताबी मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो DDCA के लोकपाल ने 2 और खिलाड़ियों पर खतरा होने की बात कही है। इनमें केकेआर के बल्लेबाज शिवम मावी और नीतीश राणा है। हालांकि इन 2 खिलाड़ियों की उम्र धोखाधड़ी का मामला DDCA ने BCCI को भेज दिया है। बता दे कि इसी साल जून में दिल्ली पुलिस की एक विशेष जांच यूनिट ने मनजोत कालरा के माता पिता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मनजोत कालरा के माता पिता पर आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे मनजोत कालरा को जूनियर क्रिकेट खिलाने के लिए उसकी जन्मतिथि 1999 बताई थी, जबकि उनकी असली जन्मतिथि 15 जनवरी 1998 है, न कि 15 जनवरी 1999। उस दौरान मनजोत कालरा नाबालिग की श्रेणी में थे, तो इसलिए उनके माता पिता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। दूसरी ओर नीतीश राणा और शिवम मावी पर भी जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस मामले में दोषी पाए गए तो उन पर भी बैन लग सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।